हमेशा ही अपने बेबाक बयानों और अपने गुस्से के चलते विवादों में घिरती हुई नजर आती हैं दिग्गज अदाकारा और सदी की महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन। जया बच्चन एक बार फिर से चर्चा में बनी हुई हैं अपने गुस्से को लेकर और अपने बयानों के चलते। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान भोजपुरी कलाकार और भाजपा सांसद रवि किशन को जवाब देते हुए कहा था कि ये शर्म की बात है, लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि रवि किशन ने राज्यसभा में बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठाया था और जिसके जवाब में जया बच्चन ने अपने भाषण के जरिए ये बयान दिया था। तब से लगातार जया बच्चन विवादों से घिरी हुई है। वहीं इसी बीच जया बच्चन से जुड़े हुए कई पुराने किस्से भी वायरल हो रहे हैं। हमेशा ही अपने गुस्से को लेकर चर्चा बटोरती हुई नजर आती हैं जया बच्चन। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक बेहद पुराना वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं जया बच्चन के एक ऐसे वीडियो के बारे में जिस वीडियो में जया बच्चन ने अपने फैन पर अपने गुस्से को जाहिर किया है। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक बार जया एक बिल्डिंग से बाहर निकल रही थी और हमेशा की तरह कुछ फोटोग्राफर्स मौजूद थे। जया आराम से बाहर निकल रही थी लेकिन उन्हें अच्छे मूड में देखने के बाद उनके एक फैन ने उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की। जया बच्चन से काफी दूर था उनका फैन लेकिन जया बच्चन के फैन ने उनसे बिना परमिशन लिए सेल्फी लेना शुरू कर दिया और जया को ये बिल्कुल भी रास नहीं आया, जिसके बाद अपने गुस्से को जाहिर करती हुई नजर आई जया बच्चन। जया ने उस शख्स को अपने पास बुलाया और कहा, मोबाइल से तस्वीर क्यों ले रहे हो? तस्वीर लेने से पहले तुमने पूछा, तमीज सीखो। और इस तरीके से जया ने अपने गुस्से को जाहिर किया। हमेशा ही जया बच्चन अपने गुस्से को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं और ऐसे तमाम वीडियोस हैं जिन वीडियोस में जया का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला है। हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।